वे विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा हेतु सदैव तैनात रहते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि हमारे रांची के मोराबादी मैदान आज से पूर्वी कमान द्वारा आयोजित सशक्त सेना समृद्धि भारत प्रदर्शनी शुरू हो गई है। 6 से 8 सितंबर तक चलने वाली 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी समेत सेवा के कई वरीय अधिकारी, जवान और छात्र, एनसीसी कैडेट और नागरिक शामिल थे। मौके पर भारतीय सेवा के जवानों द्वारा हैरतअंगेज कर्तव्य का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेवा के जवानों ने मलखान और टोर्नेडो समेत भारतीय वायु सेवा के जवानों ने हेलीकॉप्टर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मौके पर अत्याधुनिक सैन्य हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी देखने का मौका मिला, जिसमें भारतीय सैन्य बलों की शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में नई पीढ़ी के उन्नत हथियार शामिल थे, जिसमें सिग सोयर और एक 203 राइफल, नेगेटिव लाइट मशीन गन, इन्फेंट्री मोटर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लोटर म्यूशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज अल्ट्री गन, बोफोर्स और अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस रडार भी प्रदर्शित किए गए। दर्शकों को बेहद सक्षम अत्याधुनिक सैन्य वाहनों को देखने का अवसर मिला, जिसमें ऑल टेरेन व्हीकल, हाई मोबिलिटी रिकोनेसेंस व्हीकल, सस्पेंसलेस्ट मोबिलिस्ट व्हीकल और रफ टेरेन लॉजिस्टिक व्हीकल शामिल थे। वायुसेना के आकाश गंगा टीम द्वारा लड़ाकू फ्री फॉल के लाइव प्रदर्शन और इन्फेंट्री सैनिकों द्वारा विभिन्न लड़ाकू सिमुलेशन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए सैन्य बलों की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए साहस और अनुशासन का प्रतीक बताया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश में रक्षा उपकरण और हथियार के निर्माण के साथ विश्व के 85 देश में हथियारों और उपकरणों का निर्यात भी किया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सशक्त सी समृद्ध भारत प्रदर्शनी युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक जागृत करेगा। इस मौके पर उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदान और त्याग की भावना के प्रति आभार व्यक्त किया। देश की रक्षा है तो सदैव तैनात रहते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि हमारे वीर सैनिक दिन रात जाग कर एक -40 डिग्री टेम्परेचर पर जहां पर हमारे सैनिक काम करते हैं, और अभी हमने टेलीविजन के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर उस स्थान को देखने का काम किया है, तो वास्तव में हमारा सीना गर्व से आगे और बढ़ जाता है कि इससे हमारे सैनिक किस मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे हैं और देश की रखवाली कर रहे हैं। कहा जाता है कि अनुशासन जीवन जीने की कला सिखाता है, और ये अगर सीखना है तो हम सैनिकों से सीखें। वे विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा है तो सदैव तैनात रहते हैं, और हम चैन के लिए इसलिए सो पाते हैं कि हमारे वीर सैनिक दिन रात जाग कर चौकस रहकर सरहदों की रक्षा करते हैं और हमारी रखवाली भी करते हैं। हम देश के उन सभी वीर सैनिकों को सलाम करते हैं जो अपने साहस और बलिदान के साथ देश की सुरक्षा में अपना जीवन देश के लिए सर्वस्व निछावर करने का काम करते हैं। मित्रों, हमें ध्यान है देश के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्रकोष है, ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए। हमारे वीर सैनिक इसी जज्बे के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपने कर्तव्यों के पालन में लगे रहते हैं। आज ये प्रदर्शनी हमारी सेना की शक्ति, अनुशासन और उस प्रेरणा को दर्शाता है तथा एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित नवीनतम हथियार उपकरण आत्मनिर्भर भारत एवं हमारे देश की प्रगति और सेना की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज हमारा देश
हथियार के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। जैसा हमारे आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री बता भी रहे थे कि हमारे देश द्वारा अत्याधुनिक हथियार व उपकरणों का निर्माण भी किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सैनिकों से संवाद भी करते हैं और देश की सुरक्षा की बात भी करते हैं, उनसे सुझाव भी देते हैं। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्शल नृत्य का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम सभी हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी देख सकते हैं और यहाँ पर संरक्षित होने वाले साहसिक गतिविधियाँ मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो में हम सभी अपने वीर सैनिकों के अदम्य साहस और दृढ़ता का जीवन उदाहरण भी देख पाएंगे। इस अवसर पर मैं सेना के प्रत्येक जवान अधिकारी और उनके परिवार को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। वो उनके समर्पण, त्याग और प्रेरणा से हमारा देश सुरक्षित एवं सशक्त व शक्तिशाली है और ये वास्तव में मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदर्शनी हमारे युवाओं में देश में सेवा करने की भावना को और जागृत करेगी तथा देशभक्ति अनुशासन की भावना को और प्रबल करेगी। मैं आज यहाँ पर सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी जो यहाँ पर आए हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि अच्छे कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और हमें मालूम है कि हमारा देश जिस ढंग से प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया में निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और एक तीसरी बड़ी शक्ति बनकर हम दुनिया को बताएंगे कि वास्तव में हमारा देश किसी काम में पीछे नहीं है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात की समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नो योर आर्म फोर्सेस। हमारी भारतीय सेना दुनिया में किसी सेना से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, और इसी उद्देश्य से आने वाली जेनरेशन फौज को नजदीक से देखे। फौज में हमारे आने वाले बच्चे नेशन फर्स्ट के भाव से फौज में आए, यही उद्देश्य से 3 दिन का यह नोएडा आर्म फोर्सेस डिफेंस का इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा। आप सब ने देखा कितना यहाँ पर ये एग्जीबिशन और मोटरसाइकिल सवारों को देखा, ऐसे हैरत अंगेज आपने देखे। और इसका मात्र उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करना, और आज ही ऐसे रिटायर्ड जो स्टाफ हैं हमारे डिफेंस के पूर्व सैनिक, उनके लिए जॉब फेयर लगा है। लगभग 40 से ऊपर बड़ी कंपनियां यहां आई हैं पूर्व सैनिकों के लिए कि आगे आने वाले जीवन में उन्होंने देश की सेवा की, आने वाले दिनों में वो सामाजिक स्तर पर सेवा, उसी सेवा भाव से ये जॉब फेयर लगा है। उसका भी अभी थोड़ी देर में उसका भी उद्घाटन होगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी आपने देखा उसका उद्घाटन किया। हाँ, उस पर सब आपको ऐसे देखो, संभव नहीं है ना, आपको हमको संभव नहीं, आप सबको किसी को संभव नहीं है, जो बच्चे उनको संभव नहीं है ऐसे अस्त्र शस्त्र देखने का, ऐसे तो और ऐसे ऐसे भारतीय सेना के तो ये आम लोगों के लिए पहली बार हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग है। बच्चे बहुत खुश हैं और सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक 3 दिन तक एग्जीबिशन चलेगा। सेना के उपकरण का प्रदर्शन, आम नागरिकों को इन उपकरणों का परिचित कराना यह अद्भुत होगा। कैसे हमारी वीर सेना 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित मां भारती के सेवा, और उस मां भारती की सेवा में हम सब अपना जीवन यापन करते हैं, और हमारे सुरक्षा बल अद्भुत तकनीकी क्षमता और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारी सेना आने वाली पीढ़ी की एग्जीबिशन इसलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है ऐसे हमारी सेना के काम अस्त्र शस्त्र कैसे हम एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी देश सेवा में फौज में
भारतीय सेना में अपना कैरियर बनाना, अपना देखना। और मैं कह सकता हूं कि यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए माइलस्टोन होगा। और मैं मानता हूं यह प्रदर्शनी अपने माध्यम और माननीय राज्यपाल महोदय ने समय देकर एक प्रेरणा बने। जब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गांव से, ग्रामीण इलाकों से, गांव टोला पंचायत के लोग, लाखों लोग आएंगे, अद्भुत दृश्य होगा। कैसे अनुशासन में रहकर इस प्रदर्शनी का को देखकर मां भारती हम कहते हैं कि हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा, जिस तिरंगे की आन बान और शान, और वो आन बान शान उसकी रक्षा के लिए हमारे वीर जवान लगातार चौकसी और ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ वे वीर जवान लगे रहते हैं। और आज बताने में हमको हर्ष हो रहा है कि देश में डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य इस बार 1,25,00,000 करोड़ रुपया, हम आत्मनिर्भर बन गए, फंड की कोई कमी नहीं। हमको याद है वो दिन आज से 12-15 साल पहले कि बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके बाद भारतीय सेना, लेकिन आज स्थिति बदल गई। लगभग 85 देशों को हम सब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को देख रहे हैं, 85 देशों को अस्त्र शस्त्र हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अद्भुत है कैसे भारतीय सेना 70% प्रतिशत हुई, हम आत्मनिर्भर हुए, हम किसी से कम नहीं है। और यह आत्मनिर्भरता का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है।